कैसे हो आप सब। तो यार आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा करंट मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन। देखो आज का वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है। आई मीन अभी तक मैं सिर्फ मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन में सिर्फ नेचुरल चीजें ही बताती थी, आई मीन सिर्फ स्किन केयर की ही हम बात करते थे। बट आज के वीडियो में मैंने सोचा चलो आज हम कुछ अलग कर लेते हैं। तो आज मैं स्किन की भी बात करूंगी, मेकअप की भी बात करूंगी, मतलब पूरा कंप्लीट रूटीन आपको बताऊंगी स्किन को लेके भी और मेकअप को लेके भी, कि दिन में मैं कैसे क्या करती हूँ अपने स्किन के लिए। तो चलो शुरुआत करते हैं मेरे मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन की। तो देखो अभी मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, जब सुबह मैं उठती हूँ ना, तो सबसे पहले तो भाई मैं वॉशरूम चली जाती हूँ, फ्रेश हो जाती हूँ, उसके बाद में ब्रश व्रश जो भी करना हो वो कर लेती हूँ, सिर्फ सादे पानी से ही अपने चेहरे को अच्छी तरह से धुल लेती हूँ। उसके बाद में मैं चाय पीती हूँ, चाय के साथ में नमकीन बिस्किट या फिर जो भी खाना पीना हो वो सब खा लेती हूँ। इतना करने के बाद में मैं कुछ बेसिक सी चीज़ें करती हूँ अपने स्किन के लिए और जो कि मैं डेली करती हूँ। उनमें सबसे पहली चीज़ जो मैं करती हूँ वो होती है क्लेंजिंग। मैं क्लेंजर बनाती हूँ वो भी घर पे ही नेचुरल चीज़ों से। तो क्लेंजर बनाने के लिए मैं दो चीज़ों का यूज़ करती हूँ, मिल्क एंड ऑरेंज पील पाउडर। मिल्क मैं रॉ यूज़ करती हूँ। मैं क्या करती हूँ, जब मेरे घर में दूध आता है तो मैं एक बाउल में थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकाल के रख लेती हूँ, ताकि अगर मुझे यूज़ करना हुआ और रॉ मिल्क ना हो तो उसका मैं अच्छे से यूज़ कर सकूँ। और ऑरेंज पील पाउडर को मैं घर पे ही बनाती हूँ, और मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में आपको बताया भी है कि आप ऑरेंज पील पाउडर को घर पे इजीली कैसे बना सकते हो। और ये दोनों चीज़ें स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा कमाल की हैं, स्किन को हाइड्रेट करने के साथ में, स्किन को मॉइस्चराइज करने के साथ में स्किन पे ग्लो भी लाती हैं, कॉम्प्लेक्शन में भी इम्प्रूवमेंट होता है। तो इन दोनों को यूज़ करने का तरीका बस ये होता है, मैं एक बाउल में लेती हूँ 2 स्पून मिल्क, उसमें 1 स्पून मैं ऑरेंज पील पाउडर ऐड कर देती हूँ। उसके बाद में मैं स्पून से उसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और बस ये मेरा सिंपल सा क्लेंजर बन गया है। अब मैं क्या करती हूँ, इसे थोड़ा सा लेती हूँ अपने हाथ पे, पूरे फेस पे अच्छी तरीके से अप्लाई कर लेती हूँ। पूरे फेस पे लगाने के बाद में मैं क्लेंजिंग स्टार्ट कर देती हूँ, मैं मसाज करना स्टार्ट कर देती हूँ अपने फेस पे अपने फिंगर से ही, और पूरे फेस पे अच्छी तरीके से हमको ऐसे मसाज करते जाना। इससे क्या होगा, एक तो गंदगी भी रिमूव हो जाएगी जो रात में हमारे स्किन पे आ गई थी, इसके साथ में ही ये फेशियल प्रॉब्लम्स को ठीक करने के साथ साथ स्किन को अच्छा करने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये चीज़ आपको 100% यार रिजल्ट देने ही वाली है, वो भी बहुत ही जल्दी, क्योंकि दोनों ही इंग्रेडिएंट स्किन के लिए कमाल के हैं। और आपकी कोई भी स्किन टाइप हो आप डेफिनेटली इसको फॉलो कर सकते हो। तो बस इस चीज़ को मैं 2 से 3 मिनट के लिए फॉलो करती हूँ, आई मीन 2-3 मिनट तक मसाज करती हूँ, उसके बाद में 1-2 मिनट के लिए इसे अपनी स्किन पे ऐसे ही रहने देती हूँ। उसके बाद में मैं नहाने के लिए चली जाती हूँ। अब नहाने के टाइम पे हमें सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये होता है कि हमें क्या यूज़ करना चाहिए, आई मीन फेस पे फेस वॉश यूज़ करना चाहिए या फिर कोई सोप भी क्या हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इस टाइम पेयर्स का यूज़ कर रही हूँ, मुझे बहुत सही लगता है ये वाला सोप, ये सभी स्किन टाइप्स के लिए है और ये स्किन को ड्राई भी नहीं करता है और बहुत ज़्यादा ऑयली भी नहीं कर देता है, मतलब बिल्कुल सही एकदम परफेक्ट मुझे ये सोप लगता है। तो मैं इसको अपनी इंटायर बॉडी पे यूज़ करती हूँ, फेस पे भी इस टाइम मैं इसी का यूज़ कर रही हूँ, मैं किसी भी फेस वॉश का इस टाइम यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो बस पेयर सोप के यूज़ से मैं नहा लेती हूँ, और उसके बाद में नहाने के बाद सबसे पहली चीज़ जो मैं करती हूँ अपने स्किन के लिए वो होता है टोनर। अब देखो आपको इस चीज़ का हमेशा ध्यान देना है कि नहाने के बाद में जितना जल्दी हो सके, मतलब अब भाग के आ जाओ और आप टोनर अपने चेहरे पे अप्लाई कर लो, इससे आपको और भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि नहाने के बाद में जो फेस के पोर्स होते हैं ना वो थोड़े से ओपन होते हैं। तो अगर हम तुरंत कोई चीज़ अपने चेहरे पे अप्लाई कर रहे हैं तो वो अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाती है हमारे स्किन में, पोर्स के अंदर भी जाती है, तो इसका मतलब ये है कि वो चीज़ फिर हमको और भी दोगुना रिजल्ट देती है। तो इस वजह से ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही है। तो टोनर मैं भाई घर पे ही बनाती हूँ, मतलब इस टाइम मैं दूसरा कोई मार्केट वाला टोनर यूज़ नहीं कर रही हूँ। टोनर के लिए मैं 2 चीज़ों का यूज़ करती हूँ, रोज़ वाटर और लेमन। तो आपको क्वांटिटी में बता देती हूँ आपको क्या करना होगा, आपको मान लो 5 स्पून अगर लेना होगा रोज़ वाटर तो आप उसमें 1 स्पून ऐड कर दो लेमन जूस और उसको अच्छे से मिक्स कर लो। उसके बाद में इन दोनों को मिक्स करके बस आप किसी स्प्रे बॉटल में रख लो या फिर किसी कंटेनर में रख लो, आप कॉटन से भी इसको अप्लाई कर सकते हो और स्प्रे बॉटल की हेल्प से स्प्रे भी कर सकते हो इसे अपने फेस पे। सो यस, नहाने के बाद में सबसे पहली चीज़ मैं अपने स्किन पे ही टोनर अप्लाई कर लेती हूँ, और उसके बाद मैं अपने पूरे फेस पे इसको ऐसे छोड़ देती हूँ, मतलब नेचुरली ड्राई होने देती हूँ। अब टोनर अप्लाई करने के बाद में जब वो कम्प्लीटली ड्राई हो जाता है ना, उसके बाद में मैं अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ सनस्क्रीन। अब देखो डेली मुझे नहीं ज़रूरत पड़ती है कि मैं मॉइस्चराइजर अप्लाई करूँ, क्योंकि देखो इसके 2 रीज़न है, एक तो मेरी स्किन ऑयली है तो इतनी खास ज़रूरत पड़ती नहीं है, दूसरी चीज़ वो जो मैं क्लेंजर मिल्क का यूज़ करती हूँ ना उससे अच्छी तरीके से हमारी स्किन मॉइस्चराइज हो जाती है, तो मतलब इतनी खास ज़रूरत पड़ती नहीं है। सिर्फ सनस्क्रीन ही अगर हम अप्लाई कर लेंगे अच्छे सनस्क्रीन तो उससे भी काम चल जाएगा। अगर सनस्क्रीन की बात करें तो मैं तो भाई लैक्मे की सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है और वो मेरे लिए बहुत ही अच्छी तरीके से काम करती है, मेरे स्किन पे अच्छी तरीके से वर्क करती है। तो सनस्क्रीन अपने पूरे फेस पे अच्छी तरीके से अप्लाई कर लेती हूँ, नेक पे भी लगा लेती हूँ, उसके बाद में बस मैं थोड़ी देर के लिए फिर अपने स्किन को ऐसे रहने देती हूँ। चलो इतना कर लिया, अब उसके बाद में मैं कुछ थोड़ा सा हैवी खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि वीडियो भी शूट करना होता है।
तो जो भी मैं मुझे खाना पीना होता है, मैगी या फिर कुछ भी यार, पराठे सब्जी या फिर जो भी मन होता है वो मैं कर लेती हूँ। और उसके बाद में अगर कुछ थोड़ा बहुत देखना होता है, वीडियो से रिलेटेड स्क्रिप्ट रेडी करनी होती है, तो वो काम मैं कर लेती हूँ। उसके बाद में बस मेरा टाइम आ जाता है लगभग 11 या फिर 12 बज जाते हैं, और तब मैं मेकअप करना स्टार्ट करती हूँ अपने वीडियो के लिए। तो चलो, स्किन केयर का पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। स्किन के लिए मैं जितनी सारी चीज़ें करती हूँ। अब अगर जल्दी से हम बात करें मेकअप की, तो मेकअप करने से पहले तो मैं अपने फेस को एक बार पानी से अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, ताकि बाई चांस अगर कोई धूल गंदगी फेस पे आ गई हो तो रिमूव हो जाए। और उसके बाद में सबसे पहले चीज़ जो मैं अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ वो है मॉइस्चराइजर। तो अगर मॉइस्चराइजर की अभी मैं बात करूँ, तो मैं तो लोटस हर्बल्स का स्टे मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ, और मैं इसका बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ। मैंने कई सारे मेकअप वीडियोज़ में आपको बताया है कि ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। और बस मॉइस्चराइजर अप्लाई करने के बाद में नेक्स्ट चीज़ जो मैं अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ वो होता है प्राइमर। और प्राइमर भाई मैं डेली ही यूज़ करती हूँ जब भी मैं मेकअप करती हूँ। तो प्राइमर के लिए मैं मेबेलिन का प्राइमर यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद है। प्राइमर लगा लिया, इसके बाद में मैं फाउंडेशन यूज़ कर लेती हूँ। इतना करने के बाद में मैं कंसीलर का यूज़ कर लेती हूँ। अब कंसीलर के लिए मैं पर्पल का एक कंसीलर पैलेट भी यूज़ कर लेती हूँ कभी कभी, या फिर मेबेलिन का कंसीलर भी यूज़ कर लेती हूँ, और फिर अपने बेस मेकअप को अच्छी तरह से सेट कर लेती हूँ। उसके बाद में आईब्रो के लिए मैं मिस क्लेयर की आईब्रो पेंसिल यूज़ करती हूँ, जिसमें मेरा शेड है ब्राउन। और बस इतना करने के बाद में अपने चीक्स को अच्छा करने के लिए मैं ब्लश का यूज़ करती हूँ। तो बस एक ब्रश की हेल्प से मैं अपने चीक्स पे अच्छी तरीके से ब्लश अप्लाई कर लेती हूँ, और उसी ब्लश को अपनी फिंगर पे हल्का सा लेके मैं आईलिड पे भी अप्लाई कर लेती हूँ। इससे थोड़ा सा और अच्छा लुक आता है। उसके बाद में मैं स्ट्रोबिंग क्रीम का यूज़ कर लेती हूँ। स्ट्रोबिंग क्रीम मैं मेबेलिन की यूज़ करती हूँ, और जिसमें मेरा शेड है पिंक। और उसके बाद में लास्ट में मैं लिपस्टिक यूज़ कर लेती हूँ। अब जो भी मुझे मन होता है मैं वो लिपस्टिक लगा लेती हूँ, बट इस टाइम मैं मोस्टली जिस लिपस्टिक का यूज़ कर रही हूँ वो मेबेलिन की ये लिपस्टिक है। जो भी शेड है इसका मैं अभी यहाँ साइड में लिख दूंगी, क्योंकि अभी मुझे याद नहीं है उस शेड का नाम। तो यस, यही वो सारी चीज़ें थी जो इस टाइम मैं फॉलो कर रही हूँ अपने स्किन के लिए और अपने मेकअप रूटीन में। तो यार, जो मैंने क्लेंजर और टोनर बताया है, जैसे बताया है आप उसको वैसे बनाना और यूज़ करना, और जो सारी चीज़ें मैं करती हूँ मैंने वही बताई हैं। सिंपल से देखो, अभी इस टाइम मैं चीज़ें फॉलो कर रही हूँ, बट वो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव है कि मुझे नहीं लगता मुझे इस टाइम बहुत ज़्यादा चीज़ें कुछ फॉलो करने की ज़रूरत है। अगर कुछ आप अच्छी चीज़ें कर लेते हो अपने स्किन के लिए तो वही काफ़ी होता है। ज़रूरी नहीं कि आप 1000 चीज़ें फॉलो करो और उनसे आपको रिजल्ट ही ना मिले। एक फॉलो करो बट रिजल्ट तगड़ा मिलना चाहिए। सो यस, यही था मेरा सिंपल सा वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हो इस वीडियो से रिलेटेड, या फिर कुछ भी, या फिर आप मुझे सजेस्ट करना चाहते हो, या फिर आप मुझे सजेस्ट करना चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो मैं किस टॉपिक पर बनाऊँ, तो वो भी मुझे बता सकते हो। बाय, टेक केयर, थैंक यू।